इनके पास डॉल्फिन वाले एरिया से घर को जा रहे हो। तो के बता आज क्या हुआ? आज सुमित बहुत ही ज्यादा रोया है, रुलाया है, उसे रुलाया गया है उसको। हाँ। और बहुत ही ज्यादा उसकी गांठ फटी है। हाँ। क्योंकि उसने लास्ट मुद्रा अप्लाई किया है। हाँ। और डिस्पर्शन ऑफ लॉ अप्लाई किया है। हाँ। और लास्ट में वो रोते रोते गया है। अच्छा, तो क्या क्या कहाँ कहाँ रोया और कैसे कैसे हुआ जी? पहले तो उसको ग्राउंड में हमने एक्सरसाइज करने के लिए बोला। हाँ। तो वो कहता है एक्सरसाइज करने से मेरी टांगें टूट जाती हैं। हाँ। तो एक्सरसाइज कौन सी थी? उसको पुट्ठे लटकना था सिर्फ। हाँ। सिर्फ टांगें खड़ी करनी थी। हाँ, टांगें खड़ी करके देनी थी उसको। तो उसको सिर्फ 2 मिनट के लिए लटकना था, मगर लटका नहीं, पुट्ठे लटकना था। रोता वो, लाफ्ट नोत्रा अप्लाई किए, वो बहुत रोया। आहो, जब वहाँ भी हमने जबरदस्ती की तो भी वो रोया हमने उसकी। तो उसके बाद वो कैप्री में आया। कैप्री में आके वो ढूंढने लगा, लेकिन उसको मिला नहीं जो उसको चाहिए था, आई मीन एयरफोन, उसके एयरफोन। अच्छा, वो एयरफोन कौन से थे? जे वाले तो नहीं थे? हाँ, ये था ये। अच्छा, कोई बात नहीं, गिरे हुए मिले हमें। तो ऐसे ऐसे कि उसको हमने बोला था डिस्टेंस ना आपने जाना है एक रूट का, वो भी उसने ना किया है। तो देखो भाई, रोया मत करो, दोस्ती यारी में ऐसा ही होता है। तो भाई एयरफोन का क्या ही है यार, गिरे हुए मिल ही जाते हैं इंसानों को, जिसकी किस्मत में खाने खाने वाले पे लिखा है, खाने वाले नहीं, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो भाई जे दाना मेरा ही था। नाइस कंपनी बोट्स। ओके, फिर जय सिया राम।